डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एमडी कैट के रिजल्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट एमडी कैट जो है वो दिया था 10 सितंबर 2023 को, आज उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। डिफरेंट बच्चों का ये कहना था कि एमडी कैट के अंदर ये हो गया, फलां हो गया। मैं मानता हूँ ये सारी चीजें हुई हैं इस बार, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना और आप लोगों ने खुद का एक स्टैंड लेना है और खुद पे एक कंफर्टेबल रह के अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है वो पहुंचना है। जरूरी नहीं ये एमबीबीएस है, एमबीबीएस से हट के ऐसे शोबे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7 की 8 के करीब ऐसे शोबे हैं मेडिकल फील्ड के जिसमें आप लोग एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। और इस बार जो टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया, जो भी कंडक्ट किया गया एमडी कैट की तरफ से या उसके अंदर जो भी मिस्टेक आई थी और उनके नज़र मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा दोस्तों के जैसे स्टूडेंट्स के कह सकते हैं कि वीडियोस वगैरह भी आई कि हमारे साथ एक ज्यादती की गई और एग्जाम के अंदर भी इस तरह के वीडियो पाए गए जिसके अंदर कहते हैं कि 40 के करीब केस पाए गए जिसमें से 20 के करीब जो है वो FIR दर्ज करके बच्चों को है वो जेल के अंदर डाला गया। ये बिल्कुल एक किस्म की ज्यादती है, मैं बच्चों को कहता हूँ ये बिल्कुल आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है। ये जो बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके साथ कितनी ज्यादती हुई है और इनके माओ बहनों को भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों का पेट पाल पाल के और इस स्टेज पे पहुंचा के और उनके साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है। ये हरगिज नहीं, एक वक्त आएगा मैं आप लोगों को कह देता हूँ, पहले से भी और आखिर में भी आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ, एक वक्त आएगा और आप अपनी कामयाबी की स्टेज पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और जो कुछ भी है इस वीडियो के अंदर या जो कुछ भी हुआ है या होके रहेगा, नेक्स्ट भी हो रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना और अपने वक्त के साथ आपने सिंसियर रहना है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात देती है, ये बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर ये कहनी थी कि एमडी कैट के अंदर जो बात की गई है PMDC के तहत फाइनल अनाउंसमेंट यही की गई कि इसके अंदर बच्चे को जो है हम दोबारा से टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि आगे नेक्स्ट एडमिशन भी हमने कंटिन्यू करने हैं। तो इनका ये कहना था जो हमने आंसर की भेजी है, जो हमने आंसर की देखी है मतलब के दी है, उसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक पाई गई जिसकी वजह से MCQs को जो है वो गलत किया गया। और उनका कहना यह था कि हर बच्चे को एडिशनल जो है वो 5-5 मार्क्स ऐड करके उन बच्चों का जो है वो जहां पे एडमिशन होता है वो किया जाए। आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कितनी वीडियोस के अंदर क्या क्या हुआ है, जो कुछ हुआ है सब का सब आप लोग यहां पे देख सकते हैं। मुझे पता है क्योंकि हमें हक नहीं मिलने वाला, हमारा हमारे माँ बाप दूसरे कंट्री में बैठकर हमारे लिए कमा रहे होते हैं ना, और हम यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे होते, दिन रात हॉस्टल की खाने हम खा रहे होते, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है? फेल, 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 हम फेल, हम फेलियर के लिए बैठे हैं। जहाँ माँ वो कुरान लेकर बैठी होती है कि अभी मेरी बेटी आई और ये कहेगी कि मैंने अपनी मेहनत कर ली है, वो जाकर जब रिजल्ट चेक करती है तो उसके कितने मार्क्स आते, फेल, एक मतलब पास भी नहीं किया जाता। क्या 3 साल में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, ये थर्ड अटेम्प्ट पे क्या मैं नहीं मेरे साथ चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की जानिब के कैसे आपने रिजल्ट को चेकआउट करना है और अपने साथ खुद के साथ सिंसियर रहना है। चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लिखना है एमडी कैट रिजल्ट, जैसे ही सिंपल रिजल्ट लिखना है इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें इनकी फार्मेसी कौंसिल जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है। इम्पोर्टेंट्स अनाउंसमेंट रिकॉर्डिंग टू दी एमडी कैट, इसको आपने क्लिक आउट करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर दी एमडी कैट जो कि 10 सितंबर को अनाउंसमेंट हुई थी और इनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। रिजल्ट किस तरह से चेकआउट करना है आज हम इसके साथ जो है वो डिटेल के साथ ये भी बता देते हैं कि किस तरह से अपना रिजल्ट जो है वो चेकआउट करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है एमडी कैट रिजल्ट। सिंपल इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर अपना रोल नंबर वगैरह आपने लिखना है।
यहाँ पे जैसे ही इंटर किया है रिजल्ट के ऊपर और एमडी कैट के रिजल्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया है तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे जो भी आपका रोल नंबर है, उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।